आज के इस नए समय आप सभी का स्वागत है कि आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10वीं का ऐसे श्रेणी समाज विज्ञान का सामाजिक विज्ञान कौन कितना पूछता है किसको कैसे पढ़े आज वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। हर लड़कों का सामाजिक विज्ञान बहुत ज़्यादा मतलब कमजोर होता है, इतना कमजोर कोई सिर्फ पढ़ने का मन ही नहीं करता। उसमें कौन कितना करता है कैसे पढ़े इस सिलेबस में पूरा समझेंगे, यानी कि जो हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक है आज हम लोग SST के सिलेबस है। SST मतलब सामाजिक विज्ञान, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि हमारे जो एग्जाम होता है सामाजिक विज्ञान का वो दो पार्ट में होता है। एक होता है मतलब कि एक होता है हमारा सैद्धांतिक मतलब जो एग्जाम देते हैं जिसका सेंटर एग्जाम पड़ता है, और दूसरा होता है प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। एक होता है ये हमारा जो होता है 80 नंबर ना, और ये कितना होता है 20 नंबर का, यानी बात पूरा पहले तो SST वाला होता है ये पूरा कितना होता है 100 नंबर का होता है, ठीक ना। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या था SST में कौन कौन से विषय आते हैं, कौन विषय से कितना नंबर आते हैं, और कौन विषय में कौन सब क्वेश्चन किस टाइप में कितना कितना मार्क्स होता है, इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा भय खत्म हो जाएगा कि SST में ये आसान है वो भारी है, ये जितना मन का भय में सारा खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को सारे को देखिए, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो दोनों के लिए अवेलेबल है, और दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है। देखिए ये सिलेबस बहुत ही अलग है, जिस तरीके से हम खंड में मारते हैं, ये पूरा हमारा 80 नंबर का, ये जो हमारा पूरा एग्जाम होता है ये कितना 80 नंबर का, 20 करके प्रैक्टिकल होता है। इसमें हमारा जो पहला खंड रखे हैं इतिहास, दूसरा भूगोल, और तीसरा क्या रखे हैं राजनीति, और चौथा क्या है इकोनॉमिक्स, और पांचवा क्या है आपदा प्रबंधन। ये 5 विषय पढ़ना होता है SST में, ये 5 विषय यानी क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, ये 9th एंड 10th दोनों का SST का सिलेबस है, यही सिलेबस है। ये ओनली बिहार बोर्ड का सिलेबस है, CBSE वालों को नहीं या UP वालों को भी, उनका और सिलेबस है। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, यानी कि 50% 80 के 50% आधा 80% कितना हो जाएगा 40, हमारा 40 में क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में किस खंड से कितना पूछता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए इतिहास से हमारा ऑब्जेक्टिव 10 पूछेगा, और ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है 1 नंबर का होता है, यानी कितना हो जाएगा 10 गुना कितना 10 नंबर। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल से भी कितना जल्दी पूछते हैं 10 नंबर का, और कितना 1 मार्क्स का, यानी कि 10 से कम कितना हो गया 10 हो गया। अब राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में पूछते हैं 9 क्वेश्चन, और ये भी कितना का 1 नंबर का, यानी कि कितना हो गया 9 नंबर। इकोनॉमिक्स ये पूछता है कितना का 9 नंबर का, यानी कि कितना हो गया 9 का 9, यानी कि 9 नंबर। और आपदा प्रबंधन इससे का पूछता है तो केवल 2 नंबर का पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, और ये कितना नंबर का 2 नंबर, यानी पूरा जुड़े कितना हमारा 40 हो जाएगा। समझ कि इतिहास से कितना 10, भूगोल से कितना 10, और पॉलिटिक्स से कितना 9, इकोनॉमिक्स से कितना 9, और आपदा से कितना 2। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन इनकी लघु उत्तरीय प्रश्न इसको बोल सकते हैं, ये हमारा कहा था लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है जो दो दो नंबर का उसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें क्या इतिहास से देखिए इतिहास से कितना क्वेश्चन, इतिहास से पूछेगा 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 का उत्तर देना है, कितना का 3 का उत्तर, और ये सारा का सारा प्रश्न 2 नंबर पर रहेंगे। 5 में से 3 का उत्तर, 3 में कितना 6 अंक, ये 6 अंक हो गया। भूगोल में ज्योग्राफी में भी 5 में से कितना 3 उत्तर देना है, यानी भी कितना का 3 का 6 अंक। और राजनीति की बात करें तो इसमें 3 में से 2 का उत्तर देना होता है, यानी कि 2 दोनों का होता है, 2 दोनों कितना हो गया 4 अंक। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हमारा अर्थशास्त्र यानी 3 में से 2 का उत्तर देना, 2 में कितना होगा 4 अंक, और आपदा में से 3 में से 2 उत्तर देना, देखिए कितना होता है 4, यानी इसको जोड़ेंगे तो सारा के सारा कितना हमारे 24 हो जाएगा, 4 से 8 से 12 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम लोग को 4 मार्क्स का प्रश्न इसको होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है हमारा यानी कि इतिहास में 2 में से 1 का उत्तर देना, और ये कितना अंक होता है 4 अंक। भूगोल में 2 में से 1 का उत्तर, कितना होता है 4 अंक। और
राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स में भी हमको दो में से एक का भी कितना होता है, चार अंक का होता है, और इकोनॉमिक्स में भी दो में से कितना एक कितना होता है, चार, और आपदा में इसमें से साफ नहीं आता, यानी कि लघु दीर्घ दीर्घ प्रश्न आपदा से साफ पूछता ही नहीं। इसको जोड़े कितना हो जाएगा, चार 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 सोलह, सोलह चौबीस में कितना हो गया, चालीस, और चालीस साइज कितना हो गया, अस्सी हो गया। यानी कि आपको पता चल गया इतिहास से कितना पूछता है, भूगोल से कितना पूछता है, राजनीति से कितना, अर्थशास्त्र से कितना। कहते हैं इतिहास से पूर्व में कितना पूछता है, तो दस, अच्छा, सोलह, सोलह से कितना, बीस अंक का, कितना, बीस अंक का। भूगोल से कितना पूछता है, दस, अच्छा, सोलह, सोलह हजार, बीस, भी कितना अंक का, बीस अंक का। राजनीति से नौ हजार तेरह हजार सत्रह नंबर का पूछता है, सत्रह अंक का। इकोनॉमिक्स कितना, तो नौ चार तेरह तेरह चार सत्रह, कितना का, सत्रह अंक का। और आपदा से कितना था, दो चार छः नंबर, यानी कि छः अंक का। इस सारे के जोड़ दीजिए, सारे के जोड़ेंगे तो छः सात तेरह तेरह सात बीस, बीस के जीरो हासिल कितना हो गया, दो, एक एक दो, दो चार दो छः, और दो से कितना हो गया, आठ, यानी पूरा कितना आठ हो गया, अस्सी अंक। तो आप लोग पहले सिलेबस जानिए, उसके बाद यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब इस अगला जो हमारा वीडियो होगा ये भूगोल, हम इसमें शुरू करने वाले हैं भूगोल के एक पार्ट से, यानी शुरुआत ही से भूगोल। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर किए, ताकि सारे कोई को पता चले कि वो किसमें कितना पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम भूगोल शुरू करें, भूगोल का पार्ट वन, भूगोल का पार्ट एक, यानी कि यूनिट एक पढ़ाएंगे इस वीडियो में, ओके। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को प्रेस कर देना, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।